अगर आपके इमरान खान साहब से बात करने का मौका मिले, क्या सवाल करेंगे आप उनसे? उन्हें तो ही रज गए, वोट किन्नू पाया सी? इमरान खान राज फिर किदा गए? अजे टाइम बकाया, दो साल पए ने, रोटी कढ़न दे आ यार। इमरान खान साहब नु सवाल करना वा, तुसी की सवाल करोगे? मैं उन्हें ये सवाल करूंगा भी साडा की कसूर है। तो कसूर ओदा भी बेचारे का कोई नहीं है जे सही पुछो ते, क्योंकि तनखाहदार बंदा सी ते उन्हें मुलक सौंप दिता उन्होंने, जिहड़ी हकीकत बात आ ओदा कोई कसूर नहीं। उन्हें नहीं पता है भी मुलक किदा चलाउणा, समझदे कि नहीं? चाइना का सैकल औखा चलाउंदा बेचारा। आ देखो इधर मेरी गल सुनो, अब जो एडे एडे मूँह पठाना ने इधर छड़ दिते, दसो साडी रोटी किदा पूरी होऊ? सतारा टिक्कियां खा जांदा इक नान ना है, गले च रस्सी पग घड़ीसदा पिया वा, ये काम कर रहा साढ़े नाल। तो बई उन्हें क्या इन्नी या तो सानू मार दे जान तो, या तेरी मेहरबानी है हुकूमत छड़, दोनों च एक काम कर दे। तंग आ के तुसीं इमरान खान दी हुकूमत तों? एहसान अजीम फरमाएगा साडे उत्ते भाई। तंग आ के तुसीं इहदी हुकूमत? बिल्कुल भाजी, तंग आना नहीं, शेर दे वेले बैठे हैं, देख हाले बिस्मिल्ला भी नहीं की। तुसीं इह दस्सो वोट किहनूं पाया सी? पाया तां गलती हो गई सी इमरान खान नूं पाया सी, लेकिन अगे तो कन्नां नूं हत्थ ला ले। सवाल तो मेरा ख्याल है एक से ज़्यादा करने वाले उनसे, कि आपने 2.5 साल में जितने वादे किए थे पहले नंबर पर, वो माशाल्लाह पूरे हो गए। जितनी आपने तकरीरें करनी थी कश्मीर में, वो भी पूरी हो गई, सबको पता चल गया। और खुदा का खौफ करो, मैं रमजान आने वाला है, वो कम से कम 6-7 चीज़ें जो हैं वो हर आदमी की पहुँच में कर दो, ये आपकी मेहरबानी है। नाज़रीन, वज़ीरे आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब आजकल टीवी पर बैठकर लोगों से गुफ्तगू करते हैं और उनके मसाइल सुनते हैं। आज हम भी अवाम में मौजूद हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आम शहरी की वज़ीरे आज़म तक रसाई हो और उनसे बात करने का मौका मिले तो ये उनसे क्या सवाल करेंगे, और हमारी अवाम हुकूमत पाकिस्तान से किस हद तक मुतमिन है। आइए मेरे साथ जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इमरान खान साहब से बात करने का मौका मिले तो आप क्या सवाल करेंगे उनसे? सर, उनसे सवाल तो यही करना बनता है कि अब गरीब बंदा है, एक बंदा है जिसकी 10,000 या 15,000 रुपये तनख्वाह है, वो किस तरह अपने घर का सड़क चलाएगा? ठीक है, अब लॉकडाउन हो जाता है, बहुत किस्म की मुश्किल आती हैं, जो पेमेंट होती है वो लोगों तक सही तरह नहीं पहुँच रही। इसके अलावा महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मुल्क के हालात भी कुछ इतने अच्छे नहीं है। यही सवाल करेंगे कि एक गरीब बंदा होता है उसको सस्ती रोटी और यानी कि ज़रूरियात ज़िंदगी सस्ती चीज़ अशिया पैसों में फराहम हो जाए तो उसको और क्या चाहिए? भाई कुछ भी नहीं, बट ठीक है यार, जो चल रहा है चलने दो। अच्छा, तंग आ गए हुए आप इस गवर्नमेंट से? नहीं, मैं नहीं तंग, सारी दुनिया तंग है यार। अगर आपके इमरान खान साहब से बात करने का मौका मिले, क्या सवाल करेंगे आप उनसे? उन्हें तो ही रज गए, वोट किन्नू पाया सी? इमरान खान राज फिर किदा गए? अजे टाइम बकाया, दो साल पए ने, रोटी कढ़न दे आ यार। इमरान खान साहब नु सवाल करना वा, तुसी की सवाल करोगे? मैं उन्हें ये सवाल करूंगा भी साडा की कसूर है? तो कसूर ओदा भी बेचारे का कोई नहीं है जे सही पुछो ते, क्योंकि तनखाहदार बंदा सी ते उन्हें मुलक सौंप दिता उन्होंने, जिहड़ी हकीकत बात आ ओदा कोई कसूर नहीं। उन्हें नहीं पता है भी मुलक किदा चलाउणा, समझदे कि नहीं? चाइना का सैकल औखा चलाउंदा बेचारा, तो मुलक उन्हें किदा चलाउणा? तो बाकी कोई गल नहीं है। वोट किन्नू पाया? वोट मैं किसी नहीं पाया जी, मेरे को सच्ची गल पुछे। हुकूमत बदलन दे नाल सानू कोई नहीं है भी, हुकूमत फलाने दी आई वे, सानू पार्टी दे नाल कोई नहीं है, सानू अपनी खुशहाली दे नाल है कि मुलक सवरना चाहिदा, इमरान खान आई वे, चाहे उहदी फुफो आई वे, चाहे उहदा ताया आई वे, चाहे उहदा मामा आई वे, चाहे नवाज शरीफ आई वे, सानू इस गल नाल कोई नहीं है। सानू अपने पेट तक देखो मुलक चलना चाहिए वा, खुशहाली वाल जाना चाहिए, असं करते जो बाहर आईए। इन्नी महंगाई है, देखो 140 रुपए का घ्यो का पैकेट से 280 का हो गया, परौठा मंगिए चिमटे वजदे मूँह के उत्ते। सवाल की करना भाई, महंगाई से जरा ख्याल करे, महंगाई हैगी है, हर बंदा मुजगुजार बहुत परेशान आ, 6 बजे दुकाना बंद हो जाते, रिश्के वाले बेचारे, वैगन वाले, रेहड़ी वाले, बहुत परेशानी है इससे। बस मुल्की हालात ठीक करते हैं, वो जो महंगाई है वो उस पर कंट्रोल करें, बाकी बाद में काम होते हैं सारे। खान साहब तो महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही जनाब, हाँ जी महंगाई बहुत ज़्यादा हैगी, तुसी देखते हो हर एक का अपना ही रेट है, हर बंदे ने अपना ही रेट, हर चीज़ का ही अपना अपना रेट है, मोनीटरिंग टीम कोई नहीं है इन्हों को, यही सवाल आ गया मोनीटर करना, इन्नी महंगाई यार, जीना मुश्किल करता है। गले च रस्सी पग घड़ीसदा पिया वा, ये काम कर रहा साढ़े नाल, तो बई उन्हें क्या इन्नी या तो सानू मार दे जान तो,
तो यार तेरी मेहरबानी है हुकूमत छड़ दोनों एक काम कर दे तंग आके तुम इमरान खान की हुकूमत एहसान अजीम फरमाएगा साढ़े उत्ते तंग आके तुम इसकी हुकूमत बिल्कुल भाजी तंग आने नहीं शेर दे वेले बैठे हैं एक हाले बिस्मिल्ला भी नहीं की 10% काम रह गया वा महंगाई ना आखिर अखीर हो गई है कारोबार खत्म हो गया साढ़े गाहक को सकती है नहीं कि इन्हें कोई अपना अफोर्ड कर सके उन्होंने कुछ हम कह तो गल का कोई फायदा नहीं है उन्हें कहना घबराए नहीं हौसला करें ये दसो वोट किनू पाया था गलती हो गई सी इमरान खान ने पाया थी लेकिन अगे तो कन्ना नु हाथ ला ले सवाल तो कोई नहीं इमरान साहब के हम तो मुतमैन है वैसे कि इमरान खान की परफॉर्मेंस से क्योंकि मुश्किल बहुत ज़्यादा थी और उनको फेस कर रहे हैं उसके साथ स्लो स्लो उसका सलूशन भी हो रहा है सारी जो मुश्किल एवोल्यूशन हो रहा है रेवोल्यूशन से यकदम ठीक होती है चीज़ ये एवोल्यूशन जो है वो बदतरी जाके ना ये ठीक होगी मतलब ना आहिस्ता आहिस्ता अभी कुछ टाइम चाहिए उनको ना सिस्टम सही करने के लिए क्योंकि पुराना सिस्टम है उसको सही करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और हम आवाम थोड़ा सा ज़रा जज्बाती हो जाते हैं। देखिए इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो महंगाई पर ही है और इस वक्त जो जो फर्स्ट है वो सबसे पहले जो आवाम परेशानी का शिकार वो महंगाई की वजह से ही है। जब महंगाई ठीक हो जाएगी लोगों को रोज़गार मिलना शुरू होगा तो लोगों के और भी मसाइल तो और भी एजुकेशन के भी हैं दूसरे भी हैं कोरोना के भी मसाइल भी हैं तो हुकूमत की जिम्मेदारी तो सब है लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है महंगाई होनी चाहिए। सवाल तो मेरा ख्याल है एक से ज़्यादा करने वाले हैं उनसे कि आपने 2.5 साल में जितने वादे किए थे पहले नंबर वो माशाल्लाह पूरे हो गए जितनी आपने तकरीरें करनी थी कश्मीर में वो भी पूरी हो गई सबको पता चल गया और खुदा का खौफ करो मैं रमज़ान आने वाला है वो कम अज़ कम 6-7 चीज़ें जो हैं वो हर आदमी की पहुँच में कर दो ये आपकी मेहरबानी है। आपने कहा था घर बनाएंगे हम वो भी नहीं पूछते आपसे ये जो पब्लिक है ना जिसके पेट में रोटी जाती है इसको कोई गर्ज नहीं कि आपका जो एक्सपोर्ट कहाँ जा रहा है आपका डॉलर कहाँ जा रहा है अगर वो शाम को भूखा है ना तो बस उसको पता कि सब कुछ बर्बाद है ठीक है ना। तलीम आपके सामने है कुछ कहने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे माशाल्लाह मैंने 2-4 कॉलें सुनी है कल उसकी कोई ये कह रहा है कि खुदा का खौफ करो हमें आप कहते थे घबराना नहीं है हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कि हमें घबराने की इजाज़त दे दो हम घबराएं तो सही थोड़ा तो थोड़ी सी टेंशन तो ले लें शायद हम जिम्मेदार लोग बन जाएं। इमरान खान साहब की इस तरह बात करने से आप क्या समझते हैं कि मुल्की हालात बदलेंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं बदलेंगे। ये जैसे बच्चे को हम दूध पिला के लोरी सिला के सुला देते हैं ना ये भी यही काम करते हैं ये हमें रोज़ाना कोई ना कोई नई लोरी सुनाते हैं ठीक है और हमें सुला देते हैं ये तो अल्लाह पाक ने वादा किया है रिज़्क अगर इनके हाथ में हो ये तो एक टाइम का खाना भी नहीं दे सकते। नाज़रीन हमने की अवाम से बात और सुने उनके सवालात अवाम चाहती है रिलीफ और महंगाई से छुटकारा आपका वज़ीर आज़म से क्या सवाल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त एक नए मसले के साथ फिर एक नए प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह निगहबान।